हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हम पहला लेसन मैथ का डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अभ्यास प्रश्न। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन टू। और जो लेसन टू है उस लेसन का नाम है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने मैथ का कॉपी नहीं बनाया है तो आप नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप समझ रहे हो कि ये इजी है, ठीक है, लेकिन आपका जो एक नंबर का इजी प्रश्न होता है वही जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। इसलिए आपको जो इजी है वही बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपका जो मैथ का पेपर है वो क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो पेपर बैक लगता है वो मैथ के पेपर में ही बैक लगता है, तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैथ मैथ की तैयारी करनी है। और अगर अभी तक आपने मैथ का पहला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप लेसन वन, लेसन टू, लेसन थ्री इस तरह से करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो डीएलएड कर रहे हैं तो उन्हें भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके और अच्छे से तैयारी कर सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने इसका जितने भी प्रश्न है कि 150 को 3 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से लगा दो। लेकिन देखो यहाँ बुक में क्या करता है ना कि गलत दे देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, या ये पहला है तो कह रहा है कि 150 को 3 में भाग देने पर भागफल, देख रहे हो उत्तर अ दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ आप जैसे कि एक मिनट, हाँ यहाँ आप देख सकते हो क्या दिखा रहा है, उत्तर अ। लेकिन आपको पता है कि आप 150 में 3 का भाग दोगे तो क्या शेष पर क्या भाग, तो आएगा 50, ठीक है। तो ब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको इस किताब के सहारे नहीं, आप खुद एक बार चेक करो, उसके बाद ही आंसर कंफर्म करो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपका अध्याय टू है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, ठीक है। आज हमने ये नोट बनाया है 29/9/2019। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं, अभ्यास प्रश्न है और पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो आप यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि 150 में 3 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, ठीक है। तो 150 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने भाग लगाया है, ठीक है। जैसे कि 3 × 5 = 15, ठीक है, 3 × 5 = 15, तो हम 5 ऊपर लिखेंगे और 15 से 15 जाएगा तो 0 कट जाएगा, और जो 0 होता है उसे हम लिख देंगे। तो इसलिए हमारा जो 50 है वो भागफल है, ठीक है, शेषफल कुछ नहीं है, 0 होगा। तो लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि भाजक क्या होता है, ठीक है, भाज्य की परिभाषा क्या है, भागफल, शेषफल, ये सब परिभाषा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाज्य की परिभाषा क्या है, भाजक की परिभाषा क्या है, भाज्य किसे कहते हैं और भागफल किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं कि भाज्य और भाजक किसे कहते हैं। जैसे कि मैं साधारणतः यहीं पर, ताकि आपको अगर अच्छे से यहीं बता दिया जाए कि भाजक और भागफल किसे कहा जाता है, तो जैसे कि आप यहाँ 3 देख रहे हो, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम भाजक बोलेंगे, ठीक है। और जो ये 150 है ये भाज्य है, ठीक है, ये भाज्य है। और उसके बाद जो ये 50 हमारा आंसर आया है ये भागफल है, ये तो पता होगा। ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भाज्य और भाजक में, तो जो 3 है इसे हम भाजक बोलते हैं, और जो भाज्य होता है वो जिसमें हम भाग देते हैं वो 150 होता है, शेषफल आपको पता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बता देते हैं अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि आपके ये सिलेबस में है तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको छोटे से बच्चे को पढ़ाना होता है, आपको तो ये पता है, छोटे बच्चों को तो कुछ नहीं पता होगा ना कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाएगा कि भाज्य और भाजक, भागफल, शेषफल की परिभाषा दीजिए। जैसे कि आप यहाँ प्रश्न देख सकते हो, तो चलिए हम बता दें कि भाज्य क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया, जैसे कि हमारा था क्या था, ये 150 हमारा भाज्य है, ठीक है। अब भाजक उसे जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, तो 3 हमारा भाजक हो गया। और भागफल मतलब हम भाग देते हैं और शेष रह जाता है उसे हम भागफल कहते हैं,
ठीक है, सॉरी, भागफल मतलब हम जिस संख्या में भाग देते हैं और जो अंक आता है, जैसे हमारा 50 आया था, वही आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसे हम भागफल कहते हैं, और जो शेष यहाँ कुछ भी अंक आ जाए उसे हम शेषफल कहते हैं, और इसे हम भाजक कहते हैं और इसे भाज्य कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, शेषफल की परिभाषा जैसे कि मैंने बता दी हूँ, तो अगर शेषफल की परिभाषा पूछे कि भाग देने पर जो शेषफल रह जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि भाग की परिभाषा पूछे कि भाग की परिभाषा क्या है, तो भाग की परिभाषा वो होती है कि मान लो जैसे कि 5 अंकों तक की संख्याओं में 2 अंकों की संख्या से भाग देते हैं, वही भाग की परिभाषा है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे तो वो सही होगा, लेकिन भाग की परिभाषा अगर पूछ दे और क्लियरिटी के साथ लिखना है तो बस आप सिंपल यही लिख दो कि 5 अंकों तक की संख्याओं में 2 अंकों की संख्या से भाग देने की प्रक्रिया को ही हम भाग बोलते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि से गुणा करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो 100 है, 1000 है, 10 है और इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नॉन ऑफ दिस। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आप एक बार ही देख लोगे कि 24 में हम इसमें 100 का गुणा करें कि 1000 का गुणा करें कि 10 का गुणा करें, इसमें कौन सा सही होगा। तो आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कि आप अगर 100 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो आपको 2400 प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने 2400 में 100 में 24 का गुणा किया है तो हमें 2400 प्राप्त हुआ है। अतः 100 से गुणा करने पे हमें 2400 प्राप्त होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इजी से इजी, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। एक स्टूडेंट का कहना था कि थोड़ा हार्ड करवाइए, हार्ड करवाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे ही प्रश्न मैं आप सभी को दिखाऊंगी या फिर बताऊंगी भी। ठीक है, ज्यादा हार्ड करने से कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि 15% का भिन्न रूप पूछा है, तो जो भिन्न होता है वो आपको आना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो 15% का भिन्न रूप पूछा है, तो सिंपली आप देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन है 3/20, 20/3, 4/20 और 5/20। तो भिन्न निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको पता है, सबसे पहले तो आप अगर कॉपी में लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो। ठीक है, ऐसे तो आंसर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो विकल्प आ रहा है तो उस पर तो आप क्लिक कर दोगे कि इसका ए सही है, लेकिन अगर आपको लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी में पूछ रहा है तो आप बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाओगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 15% है, तो सिंपल सबसे पहला हमारा प्रोसेस यही होता है कि 15 15 लिखेंगे और परसेंट कितना होता है, तो 100 के बराबर होता है। तो 15 × 100, तो 15 × 100 में हम 15 का एक गुणा, 15 में एक का गुणा करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा बाई 100। अब हम इस अंक को काटते हैं, कौन ऐसा अंक है जो 15 और 100 को काटे, तो हम मान लो 5 से काटे हैं, तो 5 × 5 = 15 और 5 × 15 = 5×10। तो आप 5 से काटोगे, ठीक है, तो ये 2 बार में चला जाएगा, और ये 5 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि 3 लिखोगे और 20 लिखोगे, तो देखोगे आपके ऑप्शन में ये मिल रहा है या नहीं, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 3/20 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी है। अगर आपको मान लो पूछ लिया जाए कि 20% का भिन्न रूप में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, तो सिंपल तो आपको पता है कि 20 का जो होता है 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है 20 का, और 25 का होता है सॉरी 1/5 होता है 20 का, और जो 25 होता है उसका 1/4 होता है। चलिए मैं विस्तार से आपको बता देती हूँ कि वो कैसे किया जाता है, सिंपल जैसे मैंने यहाँ प्रोसेस किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मैं 20 का बता देती हूँ, आप किस प्रोसेस से करोगे तो आपको सिंपल आ जाएगा। देन लेट्स सी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि चलिए मैं 20% का निकालती हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे से जैसे ये निकला है सेम वैसे ही प्रोसेस है, तो कोई भी अंक आएगा तो बहुत ही आसानी के साथ आप निकाल सकते हो। तो जैसे कि मैं 20 लिखती हूँ, 20%, ठीक है,
20% है। अब इसका प्रोसेस यह है कि जब 20% रहेगा तो हम 20 लिखेंगे, 20 इंटू 1/100, ठीक है। और उसके बाद हम 20 में गुणा करेंगे 1 का, तो हमें 20 प्राप्त होगा। और उसके बाद 100, 100 प्राप्त होगा, तो हम 0 से 0 कट जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 पचे 10, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/5 प्राप्त हो गया। तो बहुत ही इजी है, अगर आप भिन्न के रूप में ऐसा निकालना चाहते हो तो आप 20, 25, 30, 35 आप ऐसे आसानी के साथ निकाल सकते हो, और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि अब आपके सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। तो सबसे पहले आपका प्रश्न ये है कि भाग की संक्रियाएं क्या है। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो भी एक नंबर का होता है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक से दो लाइन में आप लिखो, ठीक है, और अच्छे से लिखना, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो भाग की संक्रियाएं जो होती है, इसकी परिभाषा आप देख लेते हैं क्या होती है कि, ठीक है, इस नियम के अनुसार भाग संक्रिया क्रम विनिमय में संख्याओं के क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि संख्याओं के क्रम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसका मान परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, भाग संक्रिया के लिए ए डिवाइड बाई ऐसा चिन्ह होता है, बी डिवाइड ए, ठीक है। जैसे कि ए कॉमा बी संख्या परिमेय है, तो अगर आप 15/3 = 5 लिखकर और जब उसको परिवर्तित करोगे तो आप ऐसा लिखोगे 3 डिवाइड और ऐसा चिन्ह होगा बाई 5, ठीक है। अब अगला आपका प्रश्न है, बस आपको ये भाग की संक्रियाएं का डिफिनेशन याद कर लेना है, ठीक है, उसका वो एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, बस 2 से 3 लाइन आप याद करना। अगला आपका प्रश्न है कि देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा, अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी आता है। जैसे कि आपके सामने यदि भाजक 483 है, भागफल 403 है और शेष 50 है, तो भाज्य बताइए क्या होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि भाजक हमें पता है 483 है, भागफल भी पता है 403 है और शेषफल इतना 50 है, तो आखिरकार किसमें भाग दिया गया है कि इतना ये भागफल शेषफल और भाजक आया है, आपको यही पूछ रहा है कि किसमें भाग दिया गया है। तो ये पता करने के लिए नियम ये होता है, पहला कि भाजक और भागफल, ठीक है, जो मान लो भाजक ये है और भागफल 403 है, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नियम ये हो गया। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है अंक, उसमें जो शेषफल है वही हम ऐड कर देंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो ये 483 और 403 है इसे इंटू मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई के बाद जो हमें अंक प्राप्त होता है, हमें जो 50 है उसमें प्लस कर देना है। तो देखिए मैंने प्रोसेस किया है, आपको भी समझ में आ जाएगा। सकते हो कि भाजक और भागफल, ठीक है, भाजक और भागफल का गुणा हुआ है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आप भी अपने कॉपी में गुणा करिएगा, और आप गुणा करोगे तो आपके सामने जो गुणा करने के बाद हमें प्राप्त अंक होगा 1946/49। अब जो हमें ये अंक प्राप्त हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, गुणा करने के बाद संख्या हमें प्राप्त हुआ है 1946/49। अब जो शेषफल है उसे हम ऐड कर देंगे, और जैसे ही हम उसमें ऐड करेंगे तब हमें वो भाज्य हमें प्राप्त हो जाएगा, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसे कन्फर्म करने के लिए, क्या आपका ये जो भाज्य है सही है या नहीं, ठीक है, सही है या गलत, इसको पता करने के लिए आप सिंपली क्या करो, जो 1946/99 मतलब 99 है उसमें आप भाग दो। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि भाग विधि द्वारा हम भाग करेंगे 483 में, तो हमें पता है कि हमारा जो भागफल है, तो सिंपल जो अंक है हम 483 में गुणा करेंगे कि हम देखें कि इतना अंक हमें प्राप्त होता है कि। तो देखिए आप भाग करेंगे तो आपका सब कुछ ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो भागफल है 403 आया है, शेषफल 50 आया है। तो इस तरह से आप अगर कोई भी अंक मान लो अगर पूछ दे कि मतलब मान लो पूछे कि भागफल 5 है, ठीक है, और जो शेषफल है शेषफल हमारा हो जाएगा, तो मान लो आपसे मतलब भागफल आपका 5 है, भाजक 3 है और शेषफल आपका 1 है,
तो इसमें हम कौन सा ऐसा है, मतलब कौन सी संख्या है जिसमें हम भाग दिए हैं तो इतना अंक प्राप्त हुआ है। तो आप अगर 5 और 3 में गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 5 क्या 15, ठीक है, 15 प्राप्त होगा। और इसमें 16 में आप 3 का भाग दोगे तो आपको सब कुछ 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 प्राप्त हो जाएगा और शेषफल भी 1 प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में इससे इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे भले ही अंक अलग अलग हो। आप यहाँ देख सकते हो कि अब आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। तो आपके सामने ये पहला प्रश्न है कि एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिलें तैयार होती हैं, ठीक है, मतलब प्रत्येक दिन का मतलब होता है कि एक दिन में 750 साइकिलें तैयार होती हैं, और 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी यदि उन 2 वर्षों में एक लीप वर्ष भी है। तो ये सवाल अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही आसानी से ये सवाल लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो वो आप आसानी से लगा सकते हो। तो सिंपल ये बोला है कि प्रत्येक दिन में 750 साइकिलें तैयार होती हैं, तो 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें तैयार होंगी, ठीक है, और ये 2 वर्ष में एक लीप ईयर भी है। तो आपको पता होगा कि लीप ईयर की कुल संख्या कितनी होती है, 366 दिन, और सामान्य में होता है 365 दिन। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करके आपको जो दिनों की संख्या है वो प्राप्त हो जाएंगे 731। 731 प्राप्त हो जाने के बाद आप देख सकते हो जब एक दिन में 750 साइकिलें बन रही है तो 731 दिन में कितनी साइकिलें बनेंगी, कुछ नहीं करना है, आप 750 में 731 का मल्टीप्लाई कर दो और जो आपकी साइकिलें बनेंगी 2 वर्ष में वो बनेंगी 5,48,250। 2 वर्ष में आपकी साइकिलें बनकर तैयार हो जाएंगी। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, ये गुणा करने के लिए बोला है। तो निम्नलिखित में गुणन फल ज्ञात कीजिए। तो 25 में अगर 4 का गुणा करोगे तो आपको 100 प्राप्त होगा, 32 में 100 का गुणा करोगे तो आपको 3200 प्राप्त होगा, और 87 85 × 4 × 405 में आप गुणा करोगे तो आपको यहाँ देख सकते हो 4,51,45,45,11,700 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका लेसन 2 का अभ्यास प्रश्न था, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसी के आधार पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी और मैं इसका नोट्स अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी और आप वहां से जाकर जुड़कर और नोट्स बना सकते हो अच्छे से। और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। हम अगले दिन मिलेंगे तीसरे लेसन के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आ सके और डीएनएड कर रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन।